ब्राह्मण साहित्य का योगदान। तो ब्राह्मण साहित्य से प्राचीन भारत के इतिहास में किस किस प्रकार से हमको जानकारी मिल सकती है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो होता है वेद। तो वेद जो है सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य के रूप में माने जाते हैं। वेदों की संख्या चार होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार प्रकार के इसमें वेद होते हैं। सबसे प्राचीनतम जो वेद होता है वो होता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 मंत्र होते हैं। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में जो यज्ञ होते हैं, किन विधियों से वो यज्ञ संपन्न होते हैं, उन विधियों का वर्णन है। सामवेद में संगीत विषय से संबंधित जानकारी हमको प्राप्त होती है। और अथर्ववेद में जादू, टोना, राजा के शासन, नियम, रोग निवारण, दवाइयाँ, इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चारों वेदों के अपने अपने एक उपवेद होते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का होता है शिल्पवेद। इसके बाद आते हैं आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है जंगल में या वन में ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया साहित्य आरण्यक कहलाता है और इसमें दार्शनिक बातों का विवेचन किया गया है। वेदांग, वेदांग का मतलब होता है वेदों का ही एक अंग, अर्थात वेदों का ही यह क्या होता है, एक अंग होता है। और इसमें जो वेदों में जो कठिन शब्द आते हैं उन कठिन शब्दों की व्याख्या करने के लिए इन वेदांगों की रचना की गई है। वेदांग की संख्या होती है 6, कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरूप, छंद और ज्योतिष। इसके बाद आता है पुराण। पुराणों की संख्या है 18 और सबसे प्राचीनतम पुराण होती है मत्स्य पुराण। छोटा प्रश्न भी आता है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सी है, मत्स्य पुराण। और इन पुराण में पौराणिक कथाओं का उल्लेख किया गया है। उपनिषद, उपनिषद की संख्या है 108 और इनमें नैतिक आचरण के जो नियम है उनका वर्णन किया गया है। थैंक यू वेरी मच।